ଆସୋସିଏଟ୍ ସ୍ପନ୍ସର। ପେଟ ସଫା ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚୂରନ, ପେଟ ସଫା ତ ସବୁ ରୋଗ ବାହାର। नमस्कार दिनर प्रथम खबर सह मु शक्ति साई मिश्र बुलेटिन आगे बढ़ा पूर्व प्रथम देखने कौन रही हेडलाइंस आज बैंक बीमा कार्यक्रम जमाकारी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी विज्ञान भवन में प्रथम बीमाधारी कार्यक्रम जोगद करेंगे संबोधन कार्यक्रम में उपस्थित रहिबे केन्द्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई गवर्नर आज मुख्यमंत्री नवीन पटनायक गंजाम जिला गस्त कार्यक्रम तारातारिणी का दर्शन सह विजु स्वास्थ्य कार्ड बांटे मुख्यमंत्री हिंजुली में उन्नयनमूलक कार्य करेंगे उद्घाटन गस्त पूर्व बीजेपी कर्मी को उठाई नेला पुलिस डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना को सफलता ट्यांक निरोधी स्वदेशी स्टैंडअप क्षेपणास्त्र विमान परीक्षण सफल मिशन सह जड़ित दल को अभिनंदन जनाइले प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किए हेबे देशर परवर्ती सीडीएस स्थलसेना मुख्य जनरल एमएम नरवाणे ना को नहीं चर्चा सेपटे ओडिया पुअ जनरल चंडी प्रसाद होइपारंती स्थलसेना मुख्य चौदह राज्य में फेर शीत कम रातिर तापमात्रा तीन रु पांच डिग्री पर्यंत पारद खसवा नहीं आंचलिक पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान आमेरिका प्रकृतिर तांडव लीला केंटकी टनाडो नेला सतुरी रु अधिक लोकों जीवन ध्वंस होनेक घर द्वार दुईश माइल जाए पड़ा टनाडोर प्रभाव आज बैंक बीमा कार्यक्रम में जमाकारी संबोधन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विज्ञान भवन में प्रथम बीमाकारी कार्यक्रम में जोगद संबोधन करेंगे मोदी ए कार्यक्रम में केन्द्र अर्थमंत्री डॉक्टर निर्मला सीतारमण आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास प्रमुख उपस्थित रहिबे एने प्रधानमंत्री कार्यालय पक्षर सूचना दि जाएगी तेज बैंक बीमार होता संस्कार फल बीमा कभर को एक लक्ष टू पांच लक्ष टा जाए वृद्धि कर सूचना दि जाएगी आज मुख्यमंत्री नवीन पटनायक गंजाम जिला गस्त कार्यक्रम माँ तारातारिणी दर्शन सह विजु स्वास्थ्य कार्ड बांटे मुख्यमंत्री यापर हिंजुली जाए विभिन्न उन्नयनमूलक कार्य उद्घाटन और भित्तिप्रस्तर स्थापन करिवार योजना रही तबे मुख्यमंत्री गस्त पूर्व सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी कर सभास्थल निकटे व्यापक पुलिस मुतयन करपटे अंडामाड़ा भयर रात अधरे दुई बीजेपी नेता उठाई नहीं गंजाम खलिकोट पुलिस जिला साधारण संपादक अनिल पंडा और जिला युवमोर्चा सभापति प्रमोद पंडा को थाना अटक रखा जाए अधिक अपडेट सह जोड़ी होती ब्रह्मपुर प्रतिनिधि पीताम्बर नायक पीताम्बर आज गंजाम गस्तरे जाउछंती मुख्यमंत्री तो ताकु नजर रखी कौन तांकर आज कार्यक्रम रही निश्चित भाव कि समय पर अर्थात जो दसटाणी मंदिर कथा कह तारातारिणी मंदिर को मुख्यमंत्री आसब दर्शन करने से गोटे पड़िया विजु स्वास्थ्य कार्ड बंटन रोटे योजना रही अंपटे से हिंजिली कार्ड आसबे हिंजिली कार्ड विभिन्न उन्नयनमूलक कार्यर भित्तिप्रस्तर स्थापन सहित किसी उद्घाटन रही कि सब बड़ कथा एवं विभिन्न शासक दल नेता मंत्री हूँ आप जानती ममिता मेहर घटना पर राज्य में आईन श्रृंखला परिस्थिति को लेकिन सबुठ देखिए विरोधी माने अंडामाड कर टमाटमाड कर कला पता प्रदर्शन करलिस बेस भयभीत हो गत काली बीजेपी दुई कर्मी वरिष्ठ नेता आम दुई जन को हलिकोट पुलिस घर उठाई नहीं से घरे रही से आ लगी दुई जन को थाना को लेकिन अटक रखी जिते शासक दल रही मंत्री आसबार योजना रही तो या भयभीत हो कि काले कला पता प्रदर्शन हो पारे काले अंडामाड़ पारे या दृष्टि रखी दुई नेता पुलिस उठे नबार खबर आसी खलिकोट थाना अटक रखा जा
से माने कहवा कथा हला जे जदी गोटे दिन पर अर्थात आज जिते बेले मुख्यमंत्री आसचंती गोटे दिन पूर्व हठात आम को कहीं पुलिस एत भयभीत होटक रखापी बाध्य ताकु नहीं कि वर्तमान प्रश्न सृष्टि अन्य पटे जदियो कही परिबा जे मुख्यमंत्री आसुचंती जदि विरोधी जो भाई भाव में विधानसभा आरंभ करके पुरपल्ली जो भाई भाव में विरोध करा जाउछि तो सरकार कहीं वर्तमान पर्यंत चेतुना कहीं ममिता मेहर घटनारे उपयुक्त न्याय मिल पारुनी तो समस्त मनरे प्रश्न सृष्टि बेले वर्तमान समय रे दुई नेता पुलिस उठे नबा एवं थाना रे अटक रखा से मनरे गोटे असंतोष आनी सकते धन्यवाद पीतांबर सूचना पीतांबर नाहक आम प्रतिनिधि सूचना दूसरे कि जो भाई भाव में मुख्यमंत्री गस्त आज 10 पाखापाखि तारातारिणी मंदिर में पहुँचे और सेठार जी हिंजुली तो ये गस्त को दृष्टि रखी पुलिस कड़ाकड़ी व्यवस्था कर बड़ प्रश्न उठू जिते बड़े मुख्यमंत्री जुआड़े जाऊँगी पुलिस भयभीत विरोधी दल नेता गिरफ्त करने आगुआ एवं विरोधी नाचोड़बंदा जो भाव में ममिता मेहर प्रसंग हो आईन श्रृंखला परिस्थिति हो ताकु नहीं कि मंत्री एवं मुख्यमंत्री को नामाड़ करी विरोध प्रदर्शन करने को पछाऊना विरोधी डिसेंबर 8 दुखद सेना चपर दुर्घटना रे प्राण हरई देशर प्रथम तीन सेना मुख्य सीडीएस बिपिन रावत एवं अन्य मानकर प्रायतः सरी जाइछि अंतिम संस्कार देशर वीरपुत्र मानकर पार्थिव शरीर मिसी जाइछि पंचभूत रे समस्त देशवासी शोक संतप्त तेबे सेमानक अवर्तमान रे खाली पड़ा पदवी गुड़िक पाई एबे आरंभ हो जाइछि कल्पना जल्पना किए हेबे देशर परवर्ती सीडीएस किए तुलाई पारिबे तीन बाहिनी मुखिया हेबार दायित्व वर्तमान स्थलसेना मुख्य को मिलिबो कि पदोन्नति ताहाले किए हेबे परवर्ती स्थलसेनार मुख्य प्रथम ओडिया भाव में डेपुटी आर्मी चीफ जनरल चंडी प्रसाद को मिलिबो कि एही गुरुदायित्व एबे एही परी कल्पना जल्पना एवं चर्चा केवल ओडिशा बा ओडियांक भितरे नुहे बरं सारा देशरे आरंभ हो गलानी डिसेंबर 8 दुखद सेना चपर दुर्घटन मृत्युवरण करथिबा देशर प्रथम सीडीएस बिपिन रावत एवं अन्य मानकर प्रायतः सरी जाइछि अंतिम संस्कार एबे देश नेबाकु जाउछि परवर्ती पदक्षेप तेबे जेउं दिन तमिलनाडु रे चपर दुर्घटना होई सीडीएस रावत को परलोक रो खबर आसीथिला सेही दिन संध्या रे ही प्रधानमंत्री को अध्यक्षता रे बसीथिला कैबिनेट सुरक्षा कमिटी रो एक गुरुत्वपूर्ण बैठक सेही बैठक रे परवर्ती सीडीएस चयन ने आलोचना होइतेबार कहा जाउछि हुए तो खूब शीघ्र ए बाबद्रे सरकारी भाव में सूचना दिया जाय पारे तेबे अभिज्ञता एवं वरिष्ठता भितरे देशर परवर्ती सीडीएस भाव में वर्तमान स्थलसेना मुख्य थिबा जनरल एमएम नरवाणे को निजुक्ति मिल पारे बोली चर्चा हेउछि कारण वायुसेना मुख्य मार्शल वीआर चौधरी एवं नौसेना मुख्य आडमिराल आर हरिकुमार ए निकटरे दुई सेनार मुख्य पदवी में अवस्थापित होती तेणु जनरल नरवाणे 2021 एप्रिल अवसर नेले भी देशर संशोधित सामरिक आईन अनुसार से 65 वर्ष पर्यंत कार्य करिपारती कारण तांकर बयस एबे 61 वर्ष एवं बाकी समय सीडीएस भाबरे तुलाई पारंती तांकर दायित्व एपरी हेले नरवाणे खाली पदवी को पूरण करिपारती स्थल सेनार उपमुख्य थिबा ओडिया पुओ लेफ्टनंट जनरल चंडी प्रसाद महंती कारण वरिष्ठता दृष्टि चंडी प्रसाद समस्तक आगे थी सीमार गुरुत्वपूर्ण अंचल रे सैन्य परिचालनार दक्षता एवं अभिज्ञता तांकर रहिछि एपरि हेले चंडी प्रसाद हेबे स्थलसेना मुख्य हेबारे प्रथम ओडिया मोदी सरकार शासन काल रे अनेक ओडियां को मिलिछि विभिन्न सरकारी विभाग रे गुरुत्वपूर्ण मुखिया पदवी समानक मध्यरे शक्तिकांत दास आरबीआई गवर्नर गिरीश मुर्मू सीएजी पीके मिश्र पीएम को प्रमुख सचिव मृत्युंजय महापात्र आईएमडी डीजी सत्यनारायण प्रधान एनडीआरएफ डीजी भाबरे ओडिशार गौरव बढ़ाई तालिकार सामिल हो पारती ओडिशार गर्व लेफ्टनेंट जनरल चंडी प्रसाद महांती ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज डीआरजी और भारतीय वायुसेना को बड़ सफलता टैंक निरोधी स्वदेशी स्टैंडअप क्षेपणास्त्र विमान परीक्षण सफल हो प्रतिरक्षा गवेषणा विकास संगठन और भारतीय वायुसेना पक्ष स्वदेशी ज्ञानकौशल निर्मित एवं विकसित करा जाइथिबा टैंक निरोधी स्टैंडअप क्षेपणास्त्र विमान परीक्षण सफल होइछि
क्षेपणास्त्र को पोखरान रेंज्रु हेलिकप्टर माध्यम निक्षेप कर विमान परीक्षण मिशन समस्त लक्ष्य हासिल कर ट्रैकिंग सिस्टम जरिया मिशन समस्त घटनाक्रम को अनुध्यान कर क्षेपणास्त्र में आधुनिक MMW सिकर संजोग जहाँकि निरापद दूरत रही उच्च लक्ष्य भेद करने को सक्षम यह अस्त्र 10 किलोमीटर दूरता पर्यंत लक्ष्य भेद करने लगे सक्षम प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मिशन सह जड़ित दल को अभिनंदन जनाई अमेरिकार प्रकृतिर तांडव लीला युएस्र केंटकी राज्य में आतंक सृष्टि कर भयंकर सामुद्रिक झड़ टर्नाडो नहीं 70 अधिक लोक जीवन ध्वंस होनेक घर द्वार शनिवार दिन अमेरिकार दक्षिण पूर्वांचल राज्य केंटकी टर्नाडो ध्वंस लीला आरंभ कर पार्श्वर्ती राज्य इलियोनिस यार प्रभाव पड़ी एपरिक सेठारे ई कमर्स कंपानी आमाजन एक बड़ गोदाम घर भांगी ध्वंस हो प्राय 200 माइल पर्यंत टर्नाडोर प्रभाव पड़ता जमापड़ टर्नाडो द्वारा धनजीवन क्षयति संपर्क में प्रारंभिक सूचना देखते केंटकी गवर्नर एंडी बेसार एथिरे मृतकों संख्या 100 टपि पारे बोली आशंका करपरिक क्षयति आहुरी अधिक होबार आकलन कर बुलेटिन जारी रहा खबर समय गोटे छोट विरतिर आ दुई दिन पर राज्य में कम पारद बढ़ शीत रातर तापमात्रा प्रायतः 3 रु 5 डिग्री कमिबा नहीं सूचना दे आंचलिक पाणीपाग विभाग गत 24 घंटा मध्य राज्य में पाग सुखिला रहा आभ्यंतरीण ओडिशार किसी स्थान में कुहुड़ी अनुभूत होती कोरापुट मलकानगिरी अधिक कुहुड़ी देखा मिली तेज बर्तमान राज्य में रातिर तापमात्रा स्वाभाविक ठारु अधिक रहुछि दारिंगबाड़ी सर्वनिम्न तापमात्रा 13.5 डिग्री सेल्सियस और बलांगीर 14.2 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड करा जायछि। अधिक अपडेट सहित जोड़ी होइछन्ते एवं प्रतिनिधि चिन्मय साहू। चिन्मय पाणीपाग विज्ञान केन्द्र आकलन कौन कहुछि शीत केबे ठारु कमिबो एवं सारा राज्य रे यहार प्रभाव देखिबाक मिलिबो ना निर्दिष्ट केतक अंचल रे निहाती भाव में शक्ति साई गोटे कथ कह जो दुई दिन पर राज्य पारद कम शीत बढ़ो जी कह आगामी दिन में शीतर परिमाण प्रकोप अधिक जहाँ रही राति बेला जहाँ रही 3 रु 5 डिग्री कम जहाँ सूचना रही आगामी दिन में जी कह 3 रु 5 डिग्री कम जदि गत 24 घंटा 48 घंटा कथ कह राज्य में पाग सुखिला रहा आभ्यंतरण ओडिशार किसी स्थान में कुहुड़ी अनुभूत होता जदि कह कोरापुट मलकानगिरी अंचल अधिक थंडार प्रकोप देखा मिलूँ शीतर प्रकोप देखा मिलूँ आउ दुई तीन दिन पर जी कह राज्य विभिन्न स्थान में शीतर प्रकोप देखा मिलता कहीपर कि कुहुड़ी देखा मिले शक्ति पाई धन्यवाद चिन्मय सूचना चिन्मय साहू प्रतिनिधि जो भाव में सूचना दूसरे कि दुई दिन पर ही शीतर प्रकोप सारा राज्य देखा मिल कमिजी रातिर तापमात्रा 2 रु 3 डिग्री पर्यंत तापमात्रा कमिबा नहीं पूर्वानुमान कर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। भारतीय अमेरिकीय नीति परामर्शदाता गौतम राघवन व्हाइट हाउस प्रमुख स्थान को उन्नीत होती अमेरिकार राष्ट्रपति जो बाइडेन गौतम को भारतीय अमेरिकीय राजनैतिक परामर्शदाता भाव व्हाइट हाउस कार्यालय मुख्य भाव में पदोन्नति देखा जमापड़ी। यह पूर्व बिना रेडिंग को स्पीच राइटिंग रा डेप्यूटी डायरेक्टर एवं गौतम को व्हाइट हाउस रा डेप्यूटी डायरेक्टर भाव जो बाइडेन निजुक्ति देथिले। व्हाइट हाउस कार्यालय मुख्य पदरे भारतीय अमेरिकीय गौतम राघवन मिलित जातिसंघर सेक्रेटरी जनरल आंटोनियो गुटेरस यूनिसेफ परवर्ती कार्यनिर्वाही निर्देशक भाव में क्याटी रसेल को निजुक्त होवार घोषणा पर राघवन को व्हाइट हाउस प्रमुख पदवी में पदोन्नति आसी एने जो बाइडेन एक बृत्ति रखिंट जो से कहते कि मुझे बहुत खुशी जे प्रथम दिन क्याथी मिसी कार्य कर गौतम राघवन पीपीओ नूतन निर्देशक हे एक निरवहीन परिवर्तन जहां आम को एक फेडरल वर्कफोर्स गठन करिबारे सक्षम करिबो जहां दक्ष प्रभावशाली निर्भरशील एवं विविध हेबो बोली जो बाइडेन कहिछन्ती। तेबे किए भारतीय अमेरिकीय गौतम राघवन प्रथम जेनरेशन प्रवासी
गौतम राघवन भारत में जन्मग्रहण करते सियाटेल बढ़ते से आमेरिकार स्टानफोर्ड यूनिवर्सिटी स्नातक हासिल करते वेस्ट विंगर्स ड्रीम चेसर स्टोरी मेकर्स लेखक सहित होप क्रिएटर्स इनसाइड द ओबामा ह्वाइट हाउस संपादक भाव कार्य कर पुस्तक जहाँकि राष्ट्रपति व राष्ट्रपति कर्मचारी व्यक्तिगत दृष्टि देता है पुस्तक लिखि बे चर्चा को आसते गौतम राघवन गौतम राघवन आमेरिकार पूर्वतन राष्ट्रपति बराक ओबामा एलजीबीटीक्यू संप्रदाय तथा 2011-2014 पर्यंत एशिया आमेरिकीय एवं प्रशांत महासागरीय द्वीपपुंज संप्रदाय सहित कार्य करते से प्रतिरक्षा विभाग 2008 ओबामा अभियान एवं डेमोक्रेटिक नेशनल कमिटी कार्य करते गौतम राघवन राष्ट्रपति डेपुटी असिस्टेंट तथा राष्ट्रपति व्हाइट हाउस कार्यालय डेपुटी डायरेक्टर भाव कार्य कर से बाइडेन हारिस ट्रांजिशन टीम द्वारा निजुक्त प्रथम कर्मचारी थे जोठार से राष्ट्रपति निजुक्तिर डेपुटी हेड भाव कार्य करते ओडिशार विभिन्न जिल्लारे थिबा बहु पुरातन ऐतिहासिक लोकलोचन को आणिबा पई प्रयास जारी रखिछि इंटाक बा इंडिया नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज यार गवेषक दीपक कुमार नायक और तांका टीम अहरह काम करुछन्ति किभली लोकंक पाखरे ओडिशार विभिन्न जिल्ला ब्लॉक और गाँ गंडारे थिबा पुराणा ऐतिहासिक पहुंची पारिब से नै चेष्टा जारी रखिछन्ति ଇଣ୍ଟାଚର ଗବେଷକ ଦୀପକ କୁମାର ନାୟକ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଐତିହ୍ୟ ଜିନିଷ ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ତାହା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କିଭଳି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ସେ ଦିଗରେ କାମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ତେବେ ବାଙ୍କିରେ ଅନେକ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଐତିହ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଐତିହ୍ୟ ପର୍ବତମାଳ ଅଛି ଯାହା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିନାହିଁ ତେବେ ବାଙ୍କି ଗୟଳବାଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ଏକ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଐତିହ୍ୟ ଗୁମ୍ଫାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପାଣ୍ଡବ ବଖରା ବୋଲି କୁହନ୍ତି ବାଙ୍କି ଗୋଳବାଙ୍କ ଗ୍ରାମଠାରୁ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଅଙ୍କାବଙ୍କା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ 1000 ଫୁଟ ପାଖାପାଖି ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଗଲେ ସେଠାରେ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଏହି ଗୁମ୍ଫା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଇଣ୍ଟାଚର ଗବେଷକ ଦୀପକ କୁମାର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଗୁମ୍ଫାର ଅନେକ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି ଏହି ଗୁମ୍ଫାରେ ଥିବା ଚିତ୍ରରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଏଠାରେ ଲୋକେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ କଲମ ଓ କାଗଜର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ପଥରରେ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ନିଜର ମତ ଜଣାଇଥାନ୍ତି ଗୁମ୍ଫାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଅତି ମନୋରମ ଯାହା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ମନ ବଳାଇବ ବୋଲି ଗବେଷକ ଦୀପକ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ଭଲ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିବା ସହ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଇଣ୍ଟାଚର ଗବେଷକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମହାନଦୀ ଭ୍ୟାଲି ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟାକ୍ର ମହାନଦୀର ବହୁତ ସାଇଟ୍ରେ ଯାହା ବି ହେରିଟେଜ୍ ମନୁମେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି ଆମେ ତାର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ କରୁଛୁ ତ ସେହି କ୍ରମରେ ଆମେ ଆଜି ଗୋଳବାଙ୍କରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଏଇଠି ଆମକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଲୋକାଲ୍ସ ଆମର ଯିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟର୍ ଅଛନ୍ତି ଅନିଲ ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ଖବର ମିଳିଥିଲା ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ରକ୍ ଆର୍ଟ ସେଲ୍ଟର୍ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଚିତ୍ର ଅଛି ଲୋକାଲ୍ସ କହିଥିଲେ ତ ଆମେ ଆଗରୁ ଥରେ ବି ଆସିଥିଲୁ ଆଜି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଆସିଛୁ ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶିଳାଚିତ୍ର ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ପ୍ରାଗ ଐତିହାସିକ ଯୁଗର ହୋଇପାରେ ତ ଆମେ ସେ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ାକର ଏବେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ କରିଛୁ ଏଇଟା ମିନିମମ୍ 2000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣାର ତଳର ଗୁମ୍ଫା ଆଉ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆମର ଗୁମ୍ଫାର ଡାହାଣ ପଟେ ଆମେ ମାଛ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲୁ ଆଉ ଉପରେ ଆମେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ଦେଖିଲୁ ଯେଉଁଟାକି ରକ୍ ପେଣ୍ଟ ଆମେ ଆର୍ଟରେ ଯାଉ ରକ୍ ଆର୍ଟରେ ଯାଉ ଆଉ ଏପଟେ ଆମେ ରକ୍ ଏନଗ୍ରେଭିଂ ଗୁରା ଦେଖିଲୁ ଯେଉଁଟାକି ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ସେପ୍ର ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ଉପରେ ଦେଖି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ଉପରକୁ ତ ସେଇଠି ମିନିମମ୍ 50 ଜଣ ଲୋକ ରହିପାରିବେ ଏତେ ବଡ଼ ଜାଗା ଅଛି ଉପରେ ଆଉ ସେଇଠି ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡର ହେଇକିନା ଗୋଟେ ରକ୍ ଆର୍ଟ ପେଣ୍ଟିଂ ଥିଲା ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଏନକାଉଣ୍ଟର କଲୁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳୁ ଏହି ଗୁମ୍ଫା ଏଠାରେ ରହିଅଛି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଗୁମ୍ଫାରେ ରହିଥିବାର ଏହାର ନାମ ପାଣ୍ଡବ ବଖରା କୁହାଯାଇଛି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ଏହି ଗୁମ୍ଫାରେ ଅନେକ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କା ହୋଇଛି ଯାହା ଏଠାରେ ମଣିଷ ରହୁଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଗାଁଠାରୁ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରୁ 3-4 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ଗୁମ୍ଫା ପଡ଼ିଥାଏ
जदि सरकार पर्यटन विभाग एथिप्रति ध्यान दिये तेब यह गोटे पर्यटन स्थल हो पारंदा मत प्रकाश पाई। हाँ आम तो पिलादिन देखि से गुंफा को आम पिलादिन सियाड़े जाऊ भोजी भात से आम करूँ आम बापा जेजे बापा एम मुहर आम शुणीचु बहु पुरातन काल जेजे बापा जेजे बापा जेजे बापा पूर्व से किंवदंती अच्छी जे पांडव मैंने बास करुले अज्ञातवास कला बेल से समय ये आसते जो गुंफाटा हो गए विराट बड़ पथरटे खनन हो गुंफा खोलाई तबे ऐतिह्य गुंफार सुरक्षा सहित पर्यटक गमनागमन रास्ता सहित पर्यटन स्थल मान्यता देवाक अंचलवासी तरफ दाबी होई छि। कानुचरण बेहरा रिपोर्ट अर्गस न्यूज। संबलपुर कुचिंडा ठारु 32 किलोमीटर दूर रही गुदगुदा जलप्रपात चारिपटे सबुजिमा बनानी और आकाश को मुंड टेकी पहाड़ भितर बाहरी झरणा पर्यटकों पर पलटि प्रमुख आकर्षण। राज्य में बणभोजी ऋतु आरंभ होता बेले एठाक छुटुची आगंतुक स्व कुचिंडा उपखंड यह हूँ खजुरी संरक्षित जंगल घंच सबुज बनानी सांग को सुच्च पहाड़ सृष्टि करिछि शांत स्निग्ध परिवेश। पहाड़र शिलाखंड दे एठारे प्रवाहित होउछि गुदगुदा जलप्रपात। प्रपातर जलधारा को नियंत्रित करिबा पई तयारी होउछि कुंड। गोटिए पार्श्वरे शीतल जलप्रपात अन्यपटे निघंच जंगल पलटिछि पर्यटकंक प्रमुख आकर्षण। संबलपुरर एठाकु बुलिबाक आसिथिबा जने छात्री कहन्ति गुदगुदार परिवेश अत्यंत मनोरम सार और सांगमानक सह एठाकु आसी भरपूर मजा नेलु। अन्य जने पर्यटक जयराम स्वई कहंती एठारे पर्यटकंक रहिबा पई व्यवस्था कले दूर दूरांतरु पर्यटक माने आसी प्रकृति को अधिक उपभोग करि परंते। आउ एई परिवेशटा बहुत भल लागला एतिर एनवायरमेंट बहुत भल लागला आउ वाटरफॉलटा बहुत भल थिला हेनो आमे बहुत एन्जॉय कलु बोले आमको गुटे नेचुरल परिवेशर बहुत से तमने बहुत खुशी मिलला देखि करि एटा ए गुदगुदा बहुत प्राकृतिक परिवेश रे परेशित आठ बहुत सब भल लगे गुदगुदाटे जोटा कि पहाड़ उपर सतटा कुंड देकर पा तलु झरुची मोपाई फास्ट टाइम मुसली कितु नेक्स्ट टाइम आसे मुझे बहुत प्रिपेयर होकर आसवि जमी अधिक समय बीते पारि कितु यहाँ हूँ आगे सुविधा कराते रास्ता घाट आउट सुविधा कराते रही व्यवस्था कराता तो दूरांत पर्यटक मैंने ये रही पारे। दुईपटे जंगल मझे अंकाबंका पादचना रास्ता पर्यटक माने दल बांधि एठारे पहाड़ी रास्तार बुली बुली वन्य जीवन को उपभोग करते पर्यटकों आकर्षित करने काठर रंग में निर्मित हो प्रवेश पथ और कृत्रिम पहाड़ी गुंफा तोरण निकट में वन्यजंतु चित्र बढ़ाई यार शोभा निर्मित पिंडी उपरे चली भोजी प्रस्तुति पर सहित बुरी आसी पाने दोली में झुलुवा बेले तरुणी प्रपात निकट में नेल्फी जंगल झरणा पहाड़र शोभा देखा मंचा प्रकृति एठारे गदई देछि अपरूप सुशोभा। यह सुंदर पर्यटन स्थल सुरक्षा पाई पुलिस सहयोग नहीं वन संरक्षण समिति समितिर सभापति दधिशंकर पटेल कहते एठारे पर्यटकों संख्या बढ़िवारे लगी तेणु प्रशासन एठारे एक प्रमद उद्यान और पानी जलर व्यवस्था करने आवश्यक। प्रपात निकट को जावा रास्ता निर्माण करागले यार अधिक मजा नहीं हाँ बोली जन पर्यटक चिरंजीव विश्वास। तो बहुत भल लगला प्लेस टी तो बहुत भल जिन अच्छी भोजी फोजी करने बहुत भल लगला तो प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद। ता सहित भी आम गोटे जिन कह चाहूँ भोजीर तो बहुत भल आरेंजमेंट अच्छी आउ गोटे जिन आप छात जो कुंड रोचे प्रशासन पक्षर ताकि किसी उपरू जावाप सुविधा सुजोग कर बहुत भल लगे तो आम 100% रू आम 95% आपको रेट देवु इटा गोटे सुंदर पर्यटन स्थल बहुत पिकनिक पार्टी आउसन आम ये कोविड्र कटकणा रखिकी पुलिस प्रशासन के रखिकी सब डिसिप्लिन मेंटेन कर पिकनिक करवा लोक को कहछ आहरी अशांति ना कि आम के असुविधा रही जाए गुदगुदा लगे इटा बहुत प्राचीन काल रु आम गुदगुदा बही आससे आ प्रकृतिर तो गोटे अति सुंदर गंताघर कहले चलवा कितु आमको ये लोके टावर गोटे ना बहुत असुविधा पाछन आउ नलकुआ केतटा पानी दरकार पार गोटे आउ टे सौंदर्य बढ़ी जाता आहरी आकर्षणीय हो पारता
ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲିକରି ଆମେ କହୁଛୁ। ଗୁଦଗୁଦା ଭଳି ବଣଭୋଜିସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକରେ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପରୁ ଅଧିକ ସମ୍ବଳ ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇପାରନ୍ତା। କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସମୟ ଯୁବ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।